नलसा के निर्देश पर वर्ष 24 के तीसरे नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन शनिवार को धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा के चेयरमैन राम शर्मा ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि नेशनल लोक अदालत संविधान के परिकल्पना को पूरी करने की दिशा में एक कदम है। नवंबर 2013 से पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हर 3 माह में किया जा रहा है। संविधान हर लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं सस्ता सुलभ न्याय की गारंटी देता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम आदमी के हित के लिए लगाए जाते हैं। बिना प्रशासनिक सहयोग के हम समाज तक न्याय नहीं पहुंचा सकते। लोक अदालत में महीनों कोर्ट का चक्कर लगाने और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है। इससे लोगों को मानसिक शांति भी मिलती है, साथ ही प्रेम और सौहार्द आपस में फिर से बन जाता है। नेशनल लोक अदालत के विषय में फिर से कुछ बताने के लिए तो उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। न्यायिक व्यवस्था में यह एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और इस साल का यह तीसरा नेशनल लोक अदालत है और अगला नेशनल लोक अदालत दिसंबर में होगा। इसमें बहुत लोगों को बहुत दिनों से प्रतीक्षा रहती है कि इस दिन आए और अपने छोटे मोटे विवाद, जो कि सुलहनीय मामले हैं, विभागीय मामले हैं, जहां विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहां विभाग खुद उनके लिए आकर यहां बैठती है। पूरे पंडाल बाहर सजे हुए हैं, बैंक के मामले और भी कई अन्य मामले, जिसमें आम जनता को परेशानी ना हो उनको दूर किया जाता है और एक ही मंच पर साझा किया जाता है। हम लोग यहाँ ऊपर कुर्सी में नहीं, सबके साथ बैठते हैं और लोगों को, आमजनों को इतनी सुविधा मुहैया कराते हैं कि आमजन आपस में आपसी बातचीत से उसको निपटारा कर सके। तो आशा है कि ये बहुत सफलतापूर्वक सक्सेसफुल होगा। कुल 12 बेंच बनाए गए हैं, सभी को शुभकामनाएं। वहीं अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश रोशन ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से व्यापक पैमाने पर मुकदमों का निष्पादन किया जा रहा है, जिसमें समय की बचत के साथ साथ वाद कार्यों को विभिन्न कानूनी पचड़ों से मुक्ति मिल रही है। शुरुआती 4 घंटे में 1,07,000 विवादों का निपटारा हुआ है। मुकदमों के निपटारे के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश पर 12 बेंच का गठन किया गया था, जिनके द्वारा विभिन्न तरह के सुलहनीय विवादों का निपटारा किया गया। आज जो नेशनल लोक अदालत लगा है माननीय जालसा के निर्देश पर, उसमें हम लोगों ने 12 डिफरेंट बेंच का गठन किया है, जहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का लोग हैं वहाँ पर। और इसमें अभी तक का जो हमारे पास डेटा है, उसमें 17,000 जो केसेस हैं, पेंडिंग केसेस, जो कोर्ट केसेस हैं, उनका डिस्पोजल हो चुका है। अभी भी चल रहा है लोक अदालत, तो मे बी शाम तक और भी फिगर बढ़ने का है। और ये जो डाटा है अभी तक का नेशनल लोक अदालत जितना भी धनबाद में हुए उसमें सबसे ज़्यादा है। और जहाँ पे 17,000 केसेस हम लोग किए हैं, उसी में जो फाइन अमाउंट है, फाइन अमाउंट लगभग 4 करोड़ रुपए का फाइन अमाउंट मतलब रियलाइज किए हम लोग। और प्री लिटिगेशन में हम लोग देखें तो प्री लिटिगेशन में लगभग 90,000 केसेस का डिस्पोजल हुआ है और 9,62 करोड़ रुपीस का रिकवरी उसमें हुआ है। उसमें कंपनसेशन भी बहुत लोगों को मिला है। अधिकांश बेसिकली सारे डिपार्टमेंट का इसमें रिप्रेजेंटेशन है, लाइक लेबर डिपार्टमेंट हो गया, या बैंक से लोग हैं, या फिर आपका जो कोर्ट केसेस हैं, तो जितने भी कोर्ट में पेंडिंग है वो है, प्लस जो प्री लिटिगेशन का है, डिफरेंट बैंक्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एक्साइज है, सारे लोग का रिप्रेजेंटेशन है। अभी मेरे नोटिस में आई है कि पिछले लोक अदालत में जो भी मतलब BSNL का जो यहाँ पे सेटलमेंट हुआ था, उनका कुछ मामलों में NOC नहीं दिया गया है, कुछ में NOC देने के बावजूद भी नोटिस मतलब फिर से जारी किया गया है। तो उसमें अभी मैंने बात किया है, उनके जो अथॉरिटी आए हैं उन्होंने एश्योर किया है कि जिसमें NOC ये लोग नहीं दिए हैं उसमें मंडे या ट्यूजडे उस सारे में NOC दे देंगे, और जिसमें NOC ऑलरेडी इशू है उसको सेटल करेंगे, फाइनली वो जो लिस्ट है वहाँ से हटाएंगे। सर, एक लोन किसी का बकाया हो जो नहीं, लोक अदालत का मेन जो पर्पस है, इसमें दोनों पार्टी जब रेडी रहते हैं तो ये विन विन सिचुएशन होता है। मतलब कुछ एक पार्टी झुकेगा, कुछ दूसरे, मतलब दोनों पार्टी को थोड़ा थोड़ा झुकना होता है, तभी कोई भी केस कंप्रोमाइज होता है। तो लोन का जो अमाउंट है उसमें थोड़ा सा बैंक भी फ्लेक्सिबल रहते हैं कि थोड़ा कम करके अपना सेटल करते हैं।
जो पेयर हैं, जो माफी का तो ये तो स्कीम होता है बैंक का, वो तो वो स्कीम निकालते हैं, बट जो लोक अदालत का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, मतलब सारा सिचुएशन को कंसीडर करते हुए उन लोग अपने अथॉरिटी से बात करते हैं और फिर उन लोग रखते हैं कि ठीक है 40% 30% हम लोग वेव करेंगे। तो बेसिकली यही है, कितना फायदा है लोगों को, अदालत से फ़ायदा आप देख सकते हैं कि मतलब कम समय में, कम खर्च में और केस ख़त्म हो जाना, और ऊपर से मेंटली जो सुकून मिलता है लोगों को, सारा चीज़ का यहाँ पे फ्लेवर है। तो हम कहते हैं कि भी लोक अदालत मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है, खासकर जो नेशनल लोक अदालत है इसको हम लोग एक फेस्टिवल के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उसके लिए तैयारी हम लोग शुरू से करते हैं, सारा डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत सारा जो केसेस है, जो कोर्ट ओवरबर्डन्ड है, वो बहुत कम हो रहा है। वहीं विभिन्न विभागों से संबंधित 90,000 प्री लिटिगेशन मामलों का निपटारा किया गया। मौके पर न्यायिक पदाधिकारियों में प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय टी हसन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह, राकेश कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी, सिविल जज एंजेलिना जॉन, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पांडे, रेलवे मजिस्ट्रेट मनोज कुमार, जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य शिप्रा डालसा के पैनल, अधिवक्ता डालसा सहायक लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के टीम, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।